तुम्हारी जैसी बेवफा औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अगर मैं बेवफा हूँ तुम भी कोई दूध से धुले नहीं हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत में चीखना चिल्लाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपको जो कुछ कहना हो आपके वकील साहब कहेंगे। कहाँ है आपके वकील साहब? केले के छिलके पर फिसल कर आने का क्या मतलब है? योर ऑनर, मैं बहुत बड़ा फिसलू कैरेक्टर हूँ सर। मोहल्ले वाले कहते हैं कि हम खानदानी फिसलुए हैं। एक बार मेरे बाप बारिश के कीचड़ में से फिसल के सीधे कोर्ट पहुँच गए थे। अचानक उनको याद आया और मेरी माँ को खर्चा पानी देना भूल गए और मेरी माँ बाथरूम में थी। डबल बी साबुन पे जो फिसली सीधे कोर्ट पहुँच गई। इसीलिए एज ए लॉयर मैं अपने क्लाइंट संजय खन्ना को पहुँचा के रहूंगा अपनी मंजिल तक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अपनी बीवी अंजलि खन्ना से किसी भी कीमत पर डिवोर्स चाहते हैं और वो मैं दिला के रहूंगा। यस योर ऑनर, अब मैं इस औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अरे क्या, दुनिया का कोई आदमी रह नहीं सकता। ये इंसान थोड़ी है, ये फरिश्ता है। इनसे इनका क्या रिश्ता है? योर ऑनर, मैं खुद भी तंग आ गई इस आदमी से। आप इस तरह आपस में अदालत में झगड़ा नहीं कर सकते। आपका कोई वकील है? योर ऑनर, आई एम मिस अंजलि खन्ना एडवोकेट राम करो रिपोर्टिंग। अरे ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? कितना लेगा सर, कोई लिमिट है? ले लेके तो ये हाल है। हट, सब समझ रहा हूँ। ये सब इसका कारस्तान नहीं, हमारे बेटे नेम कैरी का। योर ऑनर, ये केस हम जीतना चाह रहे थे, हमको बाथरूम बंद करके आगे ससरा। लेकिन सच्चाई कभी बंद है का? हम दरवाजा तोड़ के हाथ देखा, साफ पूरा कपड़ा फटफटा गया है, कंडीशन देखा। योर ऑनर, मेरा पहला चार 7 जनवरी की रात को मिसेस अंजलि खन्ना हिल्टन होटल में मिस्टर मेनन के साथ थी। यू आर रॉन्ग, 7 जनवरी की रात को मेरे क्लाइंट मिस्टर मेनन के साथ नहीं, कन्नन के साथ थी। केरी अंकल, का ज्यादा बोल दिया का? योर ऑनर, ये कन्नन कौन है? अरे केस लड़ने आए हो और कन्नन को नहीं जानते है? अरे चंदन का भाई कन्नन। अरे चंदन कौन है? मन्नन का बेटा चंदन। अब ये मन्नन कौन है? बब्बन का बाजू वाला। मगर ये बाजू वाले का इस केस से क्या लेने देना है जज साहब? देखा योर ऑनर, ये बुढ़बकवा को तो कुछ पता ही नहीं है। दरअसल अंजलि का किसी से कोई नाता ही नहीं है। अरे कोर्ट तो इनमें है, पिछले हफ्ते इन्होंने सुजना को 11 लाख का हीरो का हार दिया। बताइए, 11 लाख का हार नहीं, मेरे क्लाइंट संजय खन्ना ने 1100 रुपए का अमेरिकन डायमंड का हार दिया था। दैट्स ऑल। अबे ये क्या बोल रहा है तू? देखा योर ऑनर, इन्होंने हार दिया मतलब इनका सुजना से भी चक्कर है। सुजना से क्या, मिलीना के साथ भी है। ये मिलीना कौन है? अरे जो लीलीना के साथ आई थी। अरे ये लीलीना कौन है? टीना की बाजू वाली। मगर बाजू वाली का ये कैसे काले ना देना है बेटे? वही जो चंदन मन्नन और बब्बन का था डैडी। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, अंडरस्टैंड योर ऑनर? इसे कुछ भी नहीं आता है, आया केस लड़ने। मगर फिलहाल इनकी बीवी के साथ 11 लोगों का चक्कर है, 11, और इनका पति का चल रहा है चक्कर 25। 25 चक्कर कोई हद होती है सर? ये बाजीदली छा के पोते हैं, झूठ बोलते हैं सर, पागल हो गया है। दूसरों के भी कपड़े फाड़ते हैं और अपने भी फाड़ लेते हैं। देखो पड़ा हुआ। तुम दोनों पार्टियों ने ये साबित नहीं किया कि सच क्या है और गलत क्या है, और अदालत बगैर ठोस सबूत के कोई फैसला नहीं कर सकती। इसलिए अदालत आप दोनों को 1 महीना देती है। 1 महीने के अंदर तुम कोई ऐसा सबूत ले आओ जिससे ये साबित हो कि मोहतरमा गलत है, और मोहतरमा 1 महीने के अंदर आप ऐसा कोई सबूत ले आइए जिससे ये साबित हो कि मोहतरम गलत है। तभी अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि डिवोर्स का जजमेंट दिया जाए कि नहीं। 1 महीने में सबूत लाना है, मैं सबूत कहाँ से लाऊंगी अंकल? इस कोर्ट ने मुझे किस चक्कर में फंसा दिया है, मेरा काम कैसे होगा अंकल? तुम इसलिए पकड़ नहीं पाते हो ना, वो तुम्हारे डर से लड़कियों से छुप छुप के मिलता है। तो आप ही बताइए ना अंकल, मैं क्या करूँ? तुम उसको बताओ कि तुम 15-20 दिन के लिए यूरोप जा रही हो। हाँ? इससे क्या होगा, उसका डर जो है तुम्हारी तरफ से खत्म हो जाएगा और वो लड़कियों से खुल्लम खुल्लम मिलता रहेगा, और तुम बजाय यूरोप जाने के यहाँ रहकर रंगे हाथों पकड़ लो ससरा के। लेकिन उसको पता नहीं चलेगा मैं यूरोप नहीं गई हूँ, यहीं पे हूँ। अरे कैसे पता चलेगा, अपनी जगह सहेली भेज दो। अंकल समझ लीजिए, काम हो गया। मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड थी अंजलि खन्ना, तब मैं थी अंजलि कपूर। इस इडियट से शादी करने के बाद मैं भी हो गई अंजलि खन्ना। अब तो टूर पे अंजलि खन्ना ही जाएगी। दीदी दीदी, दूल्हे वाले आए हैं और दूल्हा क्या हैंडसम लगता है। जो तुझे तो अपना अंडे वाला भी हैंडसम लगता है। अरे सुने, काम कर, चाय की ट्रे लेके आ और फिर दे अंजलि का कमाल। वाओ, अटेंशन, दीदी आ रही है। अरे आओ बेटी, आओ आओ।
आओ इनसे मिलो, ये मिस्टर शर्मा हैं, मिसेस शर्मा, और ये उनका बेटा बॉबी। अरे जीती रहो जीती रहो। हेलो आंख मारती है? आदत है। चलिए ना वहां अकेले में बात करनी है, चलिए ना। जाओ बेटा जाओ। हाँ लीजिए ना पीजिए ना चाय। थैंक यू। ये आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो कल रात को ज्यादा पीली थी ना इसलिए। क्या पीती हैं? हाँ, आधी बाटली तो रोज का कोटा है। आधी बाटली? हाँ मूड आ गया था पूरी बाटली। सॉलिड प्योरी है बाप। मैं क्या कहूँ, शादी के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे आपके फ्लैट का नंबर क्या है? 107। क्या इसका मतलब आज मटके में 21 से 7 आएगा? क्या आप मटका भी खेलती हैं? लो डैडी भी खेलते हैं। क्या? हाँ लेकिन मम्मी को फ्लैट का नंबर ना बताना। क्यों? क्या है ना कि मम्मी को रेस खेलने का शौक है। अभी आपके फ्लैट का नंबर 107, अब मम्मी 1 और 7 नंबर के घोड़े पे घर का पूरा माल लुटा देगी। बाप रे बहुत टेंशन है। ये टेंशन कुछ नहीं, इससे भी बड़ी टेंशन है। वो क्या? वो मेरे चाचा जी है ना। हाँ। वो सुपारी लेते हैं। पान वाली? उड़ाने वाली। लगता है इस फैमिली में बस एक डाकू की कमी है। वो भी नहीं रहेगी। क्या? जब आपकी और मेरी शादी हो जाएगी ना, और जब पैदा होगा ना, तो हम उसे चंबल भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए। डैडी। यस बेटा। क्या हुआ? मम्मी फिर क्या हुआ? चलिए जल्दी, इससे पहले कि हम चक्की में आटे की तरह पिस जाएं। चलिए। अरे अरे हुआ क्या है? भी सब कुछ सुन लिया है। चलो जी। अच्छा जी हम चलते हैं। नमस्कार भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। हमारी बीवी ने सब कुछ सुनिया, हमें कुछ नहीं सुनना है। चलिए। भाई साहब अरे इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया था मैं, लड़का सीढ़ी में। डैडी मम्मी चाचा जी आपको पता है कि अगर मैंने आइसक्रीम भी खाई है तो अपनी पसंद से खाई है, तो फिर मैं आपके चॉइस के लड़के के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? अगर मैं शादी करूंगी तो अपने पसंद के लड़के के साथ करूंगी, वरना नहीं करूंगी। इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। वाह 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 ड्रामा, ड्रामा तो हम भी कर रहे थे। क्या? हाँ हम जानते थे नाटक चल रहा है। मेरा बेटा CID ऑफिसर है। एंड आई एम रेडी फॉर दिस मैरिज। ओह नो। ओह यस। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। अंजलि, अरे अंजलि, अंजलि यार मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, प्लीज हेल्प मी। लेकिन अंजलि तुझे तेरी डिवोर्स में मेरी क्या हेल्प चाहिए? मैं संजय को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ यार। ओह तो तू ये चाहती है कि मैं तेरे हस्बैंड पे लाइन मारूं और तू हमारी तस्वीरें खींच के कोर्ट में उसे सबूत की तरह पेश करे? नहीं नहीं उसके पीछे तो मैं ही पड़ूंगी। तो फिर तुझे मेरी क्या जरूरत है? अंजलि मैंने क्या सोचा है, मैं संजय से बोलूंगी कि मैं जा रही हूँ यूरोप टूर के लिए, मेरी जगह जाएगी तू। ओह ही विल बिकम रिलैक्स्ड एंड मैं उसको रंगे हाथों पकड़ लूंगी। ब्रिलियंट, इससे तो हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इसी बहाने मुझे अपनी शादी के झंझट से छुटकारा भी मिल जाएगा। ठीक है फिर डन, मैं टिकट बुक करा रही हूँ। Come in. Oh. Hello. Hello. चलो अरे बड़ी कहाँ चलो? अरे संगीता मुझे छुट्टी छोकरी। अरे बेटी अपना तो चलने का प्रोग्राम तो शाम का है ना, अभी तो काम करता है, मैं भी क्यों चलो? अरे मैं संगीता नहीं अंजलि खन्ना बोल रही हूँ। खन्ना? खन्ना? अरे बेबी गन्ना हम क्यों चूपेगा, हम गन्ना नहीं चूपता है। अरे चेला रमानी जी कान की मशीन ठीक करिए। क्या बोला, कहाँ का मशीन ठीक करना है? क्या बोला? आ, 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 समझ गया कान का मशीन, थोड़ा करेक्शन लूज है। अंजलि खन्ना बोल रही हूँ। अंजलि खन्ना भाभी अभी पहचान गया। बोलो क्या काम है? सुनिए मुझे यूरोप टूर की एक टिकट चाहिए। अरे केक यहाँ थोड़ी मिलता है भाभी, ये तो टिकट का दुकान है ना। अभी देखो अभी आपको केक ऑफ ताज खाना है तो ताज में जाओ, केक ऑफ मुंजनी खाना है तो मुंजनी में वरो। ओ गॉड लगता है इसका वायर फिर हिल गया। अरे भाभी आपको एक टिकट चाहिए ना? अरे मिल जाएगा सारी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। मगरमच्छ? अरे एक बात बचपन से लेकर अब तक समझ में नहीं आई, हर आदमी थैंक यू बोलने के बाद मगरमच्छ क्यों लगाता है? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ। कहाँ जा रही हो? यूरोप टूर पे। कब जा रही हो? कल। कल? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? वैसे भी हम एक दूसरे को सारी बातें कहाँ बताते हैं। यूरोप के टूर पे कल जा रही है और मुझे आज बता रही है। ओहो मेरी बात सुनिए, आप इधर आइए, आप लकी है कि आपको उसने बताया, अगर नहीं बताया तो क्या कर लेते आप? हाँ तो क्या कर लेता मैं? ओह माय गॉड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो अकेले थोड़ी जा रही होगी, साथ में बॉयफ्रेंड भी जा रहा होगा। सर यही मौका है, उसका पीछा करो और रगे हाथों पकड़ लो। मेरे सामने वो अपने बॉयफ्रेंड से खुल के कैसे मिलेगी?
ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव आप इतनी इंटेलिजेंट बात भी कह सकते हैं। कैरी, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, नाउ आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अभी आपको जेम्स बॉन्ड को ही भेजना पड़ेगा, वही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हैंडसम, स्मार्ट, डैशिंग, अखियों से गोली मारे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मेरे कॉलेज में था, मेरे कॉलेज में था, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह कमाल का आदमी है, वही ये काम कर सकता है। किधर है, कौन है? वो मुंबई में रहता है, राज मेहलोत्रा। राज कहाँ है वो?